हेलो फूडीज, वेलकम टू संजनास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं रोज़ कुल्फ़ी, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है और कुछ ही सामान से हम इसे आज बना के तैयार करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो रोज़ कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक पैन। इसमें डाला है मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क। आपको यहाँ फुल क्रीम मिल्क ही लेना है, तभी आपकी कुल्फ़ी बहुत अच्छे तरीके से बनेगी, क्रीमी बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। जहाँ मैंने दूध को बॉईल कर लिया है, इसको हमें कुक करना है जब तक कि हमारा दूध जो है वो 3/4 तक कुक नहीं हो जाता या रिड्यूस नहीं हो जाता। जब तक हमारा दूध 3/4 तक रिड्यूस हो रहा है, तब तक हम यहाँ एक मिल्क पाउडर की घोल बना लेते हैं। सो मैंने 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हमें घोल बना लेना है। अगर आप डायरेक्ट मिल्क पाउडर डालेंगे तो आपका लम्ब्स बनने के चांसेस हैं, फिर उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप इसमें मिल्क पाउडर डालिए, उसमें पानी डाल के घोल बना के आप इसे दूध में डाल दीजिए। सो हमारा दूध जो है 3/4 तक बॉईल हो गया था, इसमें मैंने डाला है मिल्क पाउडर और साथ ही डाला है शुगर। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे बॉईल किया है 5 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। फिर मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून आप ले लीजिए इलायची पाउडर और थोड़े कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप इसमें ले सकते हो, और इलायची पाउडर भी इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। साथ ही मैं इसमें डालूंगी रोज़ सिरप। मैंने यहाँ होममेड रोज़ सिरप यूज़ किया है, आप चाहें तो मार्केट का किसी भी ब्रांड का रोज़ सिरप यूज़ कर सकते हो। मेरे रोज़ सिरप का कलर थोड़ा सा लाइट है, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन रोज़ सिरप डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसे 5 से 10 मिनट के लिए और हमें बॉईल करना है। देखिए हमारा दूध भी अच्छे से थिक हो गया है, इसे हम ठंडा कर लेंगे और ग्लासेस में भर के फ्रीज़र में सेट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको ग्लासेस में भर के मैंने सेट कर दिया था ओवरनाइट के लिए, या 6 से 7 घंटे के लिए आप इसे सेट कर दीजिए। फिर इसे हम रिमूव करेंगे ग्लास से या डीमोल्ड करेंगे इसे हम, फिर हम इसके पीसेस कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी कुल्फ़ी तैयार हुई है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर की कुल्फ़ी तैयार हुई है। आप चाहें तो इसे फालूदा में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।